आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर है हापुड़ से। दरअसल हापुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 लाख के कुख्यात लुटेरे मोनू उर्फ मोइनुद्दीन को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश को हाथ और पैर में गोली लगी है। वहीं एसपी और एसएचओ देहात बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। कांस्टेबल राजीव को गोली लगी है। बदमाशों के पास से 9 mm की पिस्टल और 46 कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए का इनामी मोनू लंबे समय से वांछित चल रहा था। पुलिस के द्वारा जिसमें ततारपुर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मैं भी वहाँ मौके पर मौजूद था, उसी टाइम पे एक ब्लैक पल्सर से एक व्यक्ति जिसने हेलमेट लगा रखा था वो पुलिस पार्टी पे फायर करके भागा। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और यहाँ असोड़ा के पास एक खेतों में जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा घेरा गया। पुलिस पे उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी अभियुक्त पे फायरिंग की गई और इसमें एक हमारा कांस्टेबल जो है वो घायल हुआ है जवाबी कार्रवाई में, और जो अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है और हाथ में गोली लगी है। इसकी जो पहचान है वो मोनू उर्फ मैनुद्दीन से हुई है और इसके ऊपर 1 लाख का इनाम था और लगभग ये 4 जिलों से वांछित चल रहा था और इसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो 30 के आसपास इस पे लूट के मुकदमे हैं और इसको गिरफ्तार करके और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। कॉमरेड शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग नई पेंशन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की है। साथ ही प्रदेश में रिक्त सभी शासकीय पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं। वहीं कोविड काल में रोके गए महंगाई भत्तों में की गई कटौती भी खत्म की जाए। महासंघ की तरफ से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंप रहे हैं। आज कर्मचारियों की तरफ से हम मांग करते हैं कि नई पेंशन व्यवस्था को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाए। जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग की भर्तियां की गई हैं इनको नियमित की जाए, भविष्य में दोबारा ऐसी भर्ती न की जाए कभी। यही हमारी 9 सूत्रीय मांग पत्र है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और खासकर पुरानी पेंशन को तुरंत तत्काल प्रभाव से बहाल करेंगे। रुकते अगली खबर की तरफ। बदायूं में रिश्वत न वसूलने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लाइन मैन को SDO और JE के सामने ही पीट दिया। बता दें कि गांव बघौली में बिजली विभाग ने छापेमारी में बिजली चोरी पकड़ी थी और 15,000 रुपए में मामला तय हुआ था। वहीं विद्युत उपकेंद्र नागर जूना पर तैनात पीड़ित लाइनमैन विजेंद्र पाल सिंह ने घूस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। पीड़ित ने थाना वजीरगंज पुलिस को तहरीर दी है। अगली खबर है बिजनौर के धामपुर से। दरअसल धामपुर थाना क्षेत्र के गांव उमरपुर बांगर में घरेलू कलह के चलते पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन रेत कर हत्या कर दी। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी लंबे वक्त से दहेज की मांग कर रहा था और दहेज के चक्कर में ही पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। थाना धामपुर के उमरपुर बागर गांव की 21 वर्षीय रश्मि नाम की बालिका का विवाह अब से 6 माह पूर्व December 2021 में मुजफ्फरनगर के छपार थाने के दतियाना गांव में सुमित नाम के लड़के से हुआ था। सुमित अपने ससुराल उमरपुर बांगर आया था कल रात में, इसी बात के लेकर के विवाद हुआ। दहेज की मांग का उल्लेख किया गया है। आज दोपहर बाद सुमित ने अपनी पत्नी रश्मि पर सब्जी बनाने वाले चाकू से वार कर दिया। रश्मि की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा सुमित को हिरासत में ले लिया गया है। 304 भी दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई एवं अन्य विधि कार्रवाई करके विधि कार्रवाई की जाएगी। चंदौली के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि SP सर्जिकल हॉस्पिटल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। मृतका के भाई ब्रजेश कुमार ने आरोप लगाया कि चिकित्सक की लापरवाही से ही खुशबू की मौत हुई है। पेशेंट रक्ताल्पता एनीमिया से पीड़ित थी। पिछले 3 महीने से घर वाले
ब्लड की व्यवस्था नहीं कर पाए। आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने के लिए मेरे हॉस्पिटल में ले आए। हम लोग इलाज शुरू करने वाले थे और तब पेशेंट को ब्लड की रिपोर्ट आई, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन थी। ब्लड अरेंज करने के लिए जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक में उनको भेजा गया। ब्लड लाने से पहले पेशेंट कोलैप्स कर गया। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मरीज को, बिल्कुल स्थिति थी क्या, कितने बच्चे 3 महीने से पीड़ित थी। 3 महीने से पीड़ित। हाँ, मायका और ससुराल पक्ष में इलाज कौन कराए, इसी में सफर कर रही थी। तब तक उसका 7 महीने का बच्चा था, रक्तालपता था, उसको एनीमिया थी, उसी से पीड़ित थी। 5 ग्राम हीमोग्लोबिन थी। जनपद चिकित्सालय में ब्लड बैंक भेजा गया उसको बुलाने के लिए, मगर इतना समय नहीं मिल पाया। सर, हम 9:30 बजे लड़की को अपनी बहन को जब लेकर आए तो मैडम जी को दिखाए तो मैडम जी बोली कि 8 पॉइंट कटा खून है, 16 तारीख के रिचार्ज से, मतलब जांच से। तो हम बोले कि ठीक है मैडम जी, क्या होना चाहिए? तो बोल रहे हैं बेटा अगर नॉर्मल हो जाएगा तो ठीक है, जब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हो गया, खुशी ब्लड लेने के लिए हम लोग को भेज दिया। ब्लड लेकर आए, हमारा ब्लड नहीं चढ़ा। जब हम लोग को लड़का पैदा हुआ तुरंत भेज दिया इंद्रजीत हॉस्पिटल में, हम लोग ले जाकर भर्ती किए लड़कों को। तब इधर आए तो बॉडी मर गई, तभी भेज रहे हैं मैक्सवेल हॉस्पिटल में अपना साधन करके। वही मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के निजी अस्पताल में मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मचारी और डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी के भीरा रेंज में एक तेंदुए ने पिछले 4 दिनों से आतंक मचा रखा है। तेंदुए ने 8 लोगों पर हमला कर दिया है। वहीं भीरा रेंज के फार्म टांडा, लालू टांडा, धर्मापुर, कोठिया गांव समेत आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। वहीं तेंदुए की सूचना पर वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। बुलंदशहर की नरसेना पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक के तहत अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध शस्त्र, कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार? आज नरसेना पुलिस के द्वारा अवैध असलहे बनाने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम इकराम है, दूसरा मोनिश है। ये दोनों नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इकराम के विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें चोरी आज के हैं, और जो मोनिश है वो पुलिस मुठभेड़ में भी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है और आर्म्स एक्ट के मुकदमे पूर्व से इसके विरुद्ध पंजीकृत रहे हैं। इनके कब्जे से 5 अवैध तमंचे बने हुए, 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, जिसमें बड़े पैमाने पे उसके पार्ट्स मिले हैं, 4 तमंचों की बाडी अधबनी हुई, 4 नाल, 4 बड, 4 अधबने ट्रैगर, प्लास, रेती, हथौड़ी, छेनी आदि जो भी उपकरण अवैध शस्त्र के निर्माण में उपयोगी होते हैं, वो सब इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। रुकते अगली खबर की तरफ, जो है हापुड़ से। हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस ने अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 12 अवैध तमंचे, 6 अधबने तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। ये धौलाना पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो थी उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें इनके द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक खालिद, फुरकान और महमूद, तीनों ही धौलाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो है वो 12 अवैध तमंचे बने हुए, 6 अधबने तमंचे और 10 जिंदा कारतूस और उसके साथ जो शस्त्र बनाने के जो उपकरण हैं वो भी बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, कहाँ पर ये बना रहे थे और कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे? देखिए, इसका सप्लाई का तो अभी जो है किन किन लोगों को करते थे वो पता कर रहे हैं, लेकिन ये जो बना रहे थे यहाँ पे एक मसूरी गुलावटी रोड में UPSIDC पे एक जगह है, वहाँ पे ये जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री है वहाँ पे संचालित कर रहे थे। और जो एक तमंचे का जो ये चार्ज करते थे वैसे ही 3 से 4 हज़ार रुपये लेते थे। अब इन्होंने कहाँ इससे सप्लाई किया है वो सारा नेटवर्क जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सामने आएगा और उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हापुड़ की धालौना पुलिस ने एक लेंडी नहर के पास चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 103 किलोग्राम गांजा,
जिसकी बाजार कीमत करीब 8,30,000 रुपए बताई जा रही है और साथ ही तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई एक इंडिका कार भी बरामद की है। ये धोलाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान जो दो गांजा तस्कर हैं उनको पकड़ा है, जिसमें एक का नाम राकेश है और दूसरा योगेश, ये दोनों जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 103 किलोग्राम जो गांजा है जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू 8,30,000 के आसपास है वो बरामद हुआ है। एक गाड़ी जो इंडिका है वो भी मिली है इनसे, जिससे ये गांजा जो है वो सप्लाई करने जा रहे थे और इसमें जो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। कहाँ से ला रहे थे ये और किन किन राज्यों से? इनका जो सप्लाई का है ये ज़्यादातर उड़ीसा की तरफ से ये गांजा लेके आते हैं और जो NCR का क्षेत्र है उसमें बल्क में ये खरीदते हैं, उसके बाद जो छोटे पैचेज में जो इनके बायर्स हैं जो गाजियाबाद हापुड़ और आसपास के जो जनपद हैं उनमें भी ये गांजे की सप्लाई करते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। वही कन्नौज के मकरंद नगर में तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई, जिसका लाइव CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ऑटो चालक की गलती से छात्रा की मौत हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बांदा के बबेरू में कमासिन रोड पर टवेरा गाड़ी और बाइक आमने सामने आ गई, जिसमें बाइक सवारों को बचाने के लिए टवेरा गाड़ी सड़क के नीचे आ गई। वहीं टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। अगली खबर है कन्नौज से। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के महादेवी घाट पर मवेशियों को चराने गया युवक गंगा में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया है। अभी तक युवक का पता नहीं चल पा रहा है। लापता युवक बक्सीपुरवा का रहने वाला 18 साल का अरविंद है। बिजनौर में ई रिक्शा चोरी करने का एक नया तरीका चोरों ने अपनाया है। चोर ई रिक्शा चालकों से दोस्ती कर उनके खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाकर उनका ई रिक्शा चुरा कर फरार हो जाते हैं। चांदपुर पुलिस ने इन घटनाओं को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चांदपुर के दो शातिर बदमाश रहमान और सुनील पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से ई रिक्शा बरामद हुआ है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ई रिक्शा चालकों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर भूख का बहाना लगा करके चाय बिस्कुट वगैरह खाते हैं, उस पर कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं। जब वो बेहोश हो जाता है तो ई रिक्शा चुरा करके सस्ते दामों में बेच देते हैं। इसमें से रहमान नाम का व्यक्ति पहले भी 302 में जेल जा चुका है। इनको जेल भेजा जा रहा है तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में SSB जवान का शव पहुंचने पर शोक का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि कन्हौली गांव के रहने वाले SSB जवान विजय कुमार भारती झारखंड में तैनात थे। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। बड़ी बात यह है कि जहां परिजनों ने इसे हत्या बताया है, तो वहीं अधिकारी इसे आत्महत्या बता रहे हैं। क्यों मार दिया ना, कहीं से क्यों गोली चला दिया, मार दिया ना, हमारे बाबू ठीक करा ना, उनके बिना हमारे केहू नहीं जा, दुख बहन दुख भाई हमारे लाल उहे रहना, उहे सबका आधार रहना, बापे कमाई का बहुत बहुत परिश्रम कई लड़नी है जाए दाना। रुकते हैं अगली खबर की तरफ। उन्नाव के बांगरमऊ में ग्राम समाज की भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान बनवाने का मामला सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 3 सगे भाइयों ने जमीन पर कब्जा किया है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी अंकित शुक्ला ने राजस्व कर्मियों की टीम गठित कर अवैध कब्जा हटवाने और कब्जेदारों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया है। झांसी के चिरगांव थाना के सिमथरी में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोर विशाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बताया कि मेरे साथ कबूतरा है, कभी कबूतरा हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं, उसकी निशानदेही पर 6 बाइक बरामद की गई है, जिनका इंजन नंबर चेंज पर गुजरा हुआ है। 2 बाइक तो ऐसी हैं जिनका इंजन नंबर चेंज पर ही नहीं है।
इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।